एक्सक्लूसिव तस्वीरें वोट कास्ट करने के बाद मायावती यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मायावती यहां पर पहुंची हैं और यहां पर देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहां पर मौजूद है, जो सुरक्षा में तैनात है। और थोड़ी देर में हम मायावती को सुनेंगे कि मायावती क्या कुछ कहती है वो सुनेंगे। मायावती अंदर वोट कास्ट कर चुकी है, इसके बाद जो तमाम वीवीआईपी से चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। राजनाथ सिंह 10:30 बजे के आसपास वो अपना वोट कास्ट करेंगे और हर बार की तरह राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में रोक रहा हूँ अमित आपको, मायावती कुछ बोल रही है। और आज 5 बजे का यार वोटिंग चल रहा है, जनता की भी मेरा वोट आज के चरण में है। मैंने इस मौके तो मैं चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है, इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत। मायावती अपील करती हूँ लोगों से वोट करने की और कह रही है कि नहीं मैं भी कैंपेनिंग कर रही हूँ, जो हमने सवाल उठाया ना कि वो दिख नहीं रही है, वो कह रही है मैं भी यहाँ जा रही हूँ, फिर बिहार जा रही हूँ, पंजाब जा रही हूँ। खैर उधर कैसरगंज रवि मौजूद है वहां पर और रवि के साथ है ब्रिजभूषण शरण सिंह। देखिए किशोर, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है कैसरगंज, इसमें बहराइच और गोंडा दोनों की ही विधानसभा सीटें हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं, कई बार से सांसद हैं, फिलहाल जिम में हैं, सुबह का वक्त है और काफ़ी चर्चा रहती है कि सुबह के टाइम एक्सरसाइज के बाद ही वो कोई काम करते हैं, फिर जनता से मिलते हैं,